चैप्टर नंबर फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक अपन ने अभी प्रीवियस क्लास में स्टडी कल की क्लास में स्टडी की है। अब आज पर बात करेंगे किसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन स्टडी किसकी करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी 4.1 और 4.1 की जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको वन बाय वन क्वेश्चन स्टडी करना है और उसके बाद में अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक तो है आपकी नोटबुक देखो, एक तो नोटबुक है और एक पेन है, मेरे पास में दो चीज है, एक तो नोटबुक है और एक पेन है। नोटबुक है उसकी जो प्राइस है, जो नोटबुक है इसकी जो कॉस्ट है वो किसकी ट्वाइस है, पेन की ट्वाइस है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसका मतलब एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की ट्वाइस से है, पेन से डबल है, किसकी नोटबुक की। तो सबसे पहले अपने को क्या लेट करना होगा कि यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट क्या है और पेन की कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे लेट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है एक्स आर एस और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, इसको अपन क्या लेट कर लेंगे वाई। क्यों, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे टू है, कौन कौन, एक तो पेन है और एक क्या है नोटबुक है, तो मेरे पास यहाँ पे टू आइटम्स है, तो एक आइटम्स की कॉस्ट को मैंने, अगर एक ही आइटम होता तो अपन उसको एक्स लेट करते, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में आइटम कितने हैं, टू आइटम है, उनमें से एक क्या है नोटबुक है और एक क्या है आपका पेन है। नोटबुक की जो कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट को अपन ने क्या लेट किया है एक्स, पेन है उसकी नोटबुक को अपन ने क्या लेट किया है वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि नोटबुक है वो पेन की क्या है ट्वाइस है, पेन की क्या है ट्वाइस है, यही तो कहा है ना कि द नोटबुक ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कॉस्ट की जो पेन होगी उससे कौन है ट्वाइस है, कौन है एक्स, दुगनी नोटबुक। तो यहां से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, आपको यहाँ से एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनानी है। अगर आपने देखा होगा तो अपन ने एट क्लास में ये सीखा था कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल अपन कैसे उसको बनाए थे। अब यहाँ पे किसका डिस्कस कर रहे हैं कि टू वेरिएबल और वो भी लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे टू वेरिएबल आपको लेट करना होगा एक्स, जो अननोन वैल्यू है, जो अननोन वैल्यू जिसकी वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, तो पहले अपन उसको लेट करेंगे और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात कर रहा है वो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक तो जो नोटबुक की कॉस्ट है वो किसकी ट्वाइस है, पेन की ट्वाइस है, तो पेन की। ये नहीं पता अभी, वी हम अपने को नहीं पता कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है और पेन की कॉस्ट क्या है, बस उसने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो किसकी ट्वाइस है, पेन की ट्वाइस है। पेन तो जी, यहाँ से क्या करेंगे, जो नोटबुक है उसको, नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको अपन एक्स लेट कर लेंगे और जो पेन की कॉस्ट है उसको अपन क्या लेट कर लेंगे वाई, टू एच वाई। तो क्वेश्चन कि जो नोटबुक की जो ट्वाइस, जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसकी ट्वाइस है, पेन की ट्वाइस है। देखो टू ट्वाइस किसका है, पेन का ट्वाइस है, कौन है एक्स, और एक्स कौन है आपका नोटबुक। तो ये क्या बन गई आपकी यहाँ से इक्वेशन, आप इसको आगे और सोल्व कर सकते हो कैसे, यहाँ पे ये x आ गया, ये इक्वल टू के इधर है, इसको इधर लिया होगी तो किसमें जाएगा, ये माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू में 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें टू वेरिएबल कौन है x और y, x और y जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब आपका जो सेकंड है इसके अंदर इसी में ही क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल आपको गिवन है, यानी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। कौन सी लीनियर इक्वेशन? जिसमें क्या है, टू वेरिएबल गिवन है, जिसमें क्या है, टू वेरिएबल गिवन है। अब आपको वहां से क्या लिखना होगा, सबसे पहले एक चीज देखना, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? अश्वनी बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? श्वेता बेटा क्या होती है इसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मैं जिससे पूछू वो रिप्लाई देगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू मी जीरो, ये क्या है आपकी इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो इसमें टू वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई है, और यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों क्या है आपके इंटीजर्स है। अब श्वेता मेरे को ये बताएगी कि यहाँ पे एक्स ए तो क्या है और बी क्या है और सी क्या है, इनके बारे में स्टडी करेगी, बताओ फटाफट जल्दी से। इंटीजर्स, इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स तो है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये ए क्या है, इंटीजर्स तो है ही है लेकिन ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, अरे कांस्टेंट वैल्यू तो है ही है, नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा वो बात भी सही है आपकी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी राइट है आपका, और यहाँ पे ए बी सी ये तीनों ही क्या है आपके इंटीजर है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा कि अगर यहाँ पे जो ए है वो ए क्या होगा, बी क्या होगा, ए क्या होगा एक्स का कोफिशियंट, ए क्या होगा एक्स का कोफिशियंट, और बी क्या होगा यहाँ से वाई का कोफिशियंट, और सी क्या होगी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्स है यानी कोफिशियंट क्या हो, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे ए, और वाई का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे बी। अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक इक्वेशन देगा, यहाँ से इस टाइप की इक्वेशन देगा। अब उस इक्वेशन में आपसे ए की बी की और सी की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होगा एक्स का कोफिशियंट, बी क्या होगा वाई का कोफिशियंट, और सी का कोफिशियंट कांस्टेंट वैल्यू। इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, इक्वेशन ये है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि यहाँ पे एक्स माइनस y अपॉन टू प्लस थ्री इज इक्वल टू में जीरो, ये आपकी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको a b एंड c इन तीनों की वैल्यू आपको लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए a क्या होता है, x का कोफिशियंट, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, x का कोफिशियंट क्या है, x का कोफिशियंट क्या है, one. A. अब यहाँ पे b क्या होगा, y का कोफिशियंट, b क्या है y का कोफिशियंट, तो y का कोफिशियंट क्या होगा, यहाँ से बताओ y का कोफिशियंट क्या होगा, y का कोफिशियंट क्या होगा, टू होगा। देखो यहाँ पे y अपॉन टू है, ये y अपॉन टू है, यानी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई वाई। तो देखो यहाँ पे ये इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा इक्वल टू में वाई अपॉन टू, तो बात एक ही है, तो वाई तो जो वाई है इसके मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस का 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, और बी क्या होता है वाई का कोफिशियंट, और वाई का कोफिशियंट कितना है माइनस का 1 अपॉन 2, और सी क्या है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक कांस्टेंट वैल्यू। आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में आपको A की B की और C की वैल्यू आपको नोट करनी है। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि सर A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो यहाँ से A क्या होगा X का कोफिशियंट, A क्या होगा X का कोफिशियंट, B क्या होगा Y का कोफिशियंट, और C क्या होगा एक कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या लिखा हुआ यहाँ से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है,
अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है ना? क्या ये आपका इंटीजर है क्या? माइनस का 1/2 इंटीजर है क्या? नो सर। तो फिर अपन तो फिर अपन इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? रियल रियल नंबर। रियल नंबर क्या बोलेंगे इसको अपन यहाँ पे? रियल नंबर, ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको अपने यहाँ पे? रियल नंबर। ये लो, ये है आपकी एक्सरसाइज कौन सी? 4.1 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है सेकंड, इसी का एक क्वेश्चन, एक पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट बताओ मेरे को एक बार कि यहाँ पे x प्लस 5y, अब बताओ यहाँ से a b और c की वैल्यू क्या होगी? a b एंड c की वैल्यू क्या होगी सर? a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -5। वेरी गुड, पहले इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, इसको यहाँ से नोट करोगे तो ये हो जाएगा आपका x, ये इसको इधर ले आओगे तो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू में, तो यहाँ से जीरो। ये क्या होता है? a x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1। फिर b क्या होता है यहाँ पे? y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ से? कोफिशिएंट -5 और -5 c की वैल्यू जीरो जीरो। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर, ये अपनी एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1। अब किसकी बात करेंगे यहाँ से? एक्सरसाइज 4.2 की बात, इनटू, ठीक है ना? एक्सरसाइज 4.2, 4.2। अब देखो 4.2 में क्या होगा, अभी तक आपने यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन बनाई आपने और जो इक्वेशन गिवन थी उसमें आपने ए की, बी की और सी की वैल्यू नोट की है। अब जो जैसे आपने यहाँ पे अपनी स्टडी की थी कौन सी? पॉलिनोमियल में। क्या पॉलिनोमियल में आपने ये स्टडी की थी कि यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल गिवन था और उस पॉलिनोमियल के आपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने फाइंड आउट किया था, यानी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? टू वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहां से मैंने कल आपको बताया था यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले क्या होगा? एनी कोई भी एक लीनियर, आपको एक कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, यानी टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसमें जो एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू होगी, एक्स और वाई की दोनों की एक ऐसी वैल्यू होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी, एक ऐसा यूनिक वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई कर सेटिस्फाई करे सेटिस्फाई कर सके। अब उसको सेटिस्फाई कैसे है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2y = 12, यानी एक पार्ट आपका कौन सा है? ये LHS, और ये वाला पार्ट कौन सा है? ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए? इक्वल। तो इक्वल आएंगे तभी ही आपकी एक्स का और वाई का वैल्यू, एक्स की और वाई की वैल्यू आएगी और वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन। तो क्या करेगा कि x की और y की एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब सेटिस्फाई का मतलब कैसे है? जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखा, x की वैल्यू कितनी? 3, और y की वैल्यू कितनी रखा मैंने यहाँ पे? 2 रखा। देखो x की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू क्या है?
टू है, ये अपने मन से पुट किया, मैंने एक बार चेक करेंगे कि x की वैल्यू 3 होगी या y की वैल्यू 2 होगी या नहीं, ये अपने को चेक करना है। तो आपको इस इक्वेशन में x की और y की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ से 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू में 12, ये कितना हुआ आपका 9 प्लस ये कितना हुआ आपका 4 इज इक्वल टू में 12 है। 9 प्लस 4 कितना हुआ 13 इज इक्वल टू 12 है। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो यहाँ पर क्या आएगा नॉट इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू, इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 वाला पेयर नहीं है, गलत है, गलत है ना। अब क्या करोगे, चलो सेकंड देखो, मैंने x की वैल्यू 2 पुट की है और y की वैल्यू मैंने 3 पुट की है, चेक करो एक बार, x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है 2 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, एक चीज ध्यान रखना, आप चाहो तो x की y की वैल्यू माइनस के अंदर ही पुट कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको प्लस में ही पुट करना हो, नहीं माइनस में ही पुट करना कर सकते हो, आपको चेक करना है कि x की y की वैल्यू है ये है या नहीं। तो अब देखो एक बार, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, पुट करो इसके अंदर 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू कितना है 12 है, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 है प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 है इज इक्वल टू में 12 है, 6 प्लस 6 कितना हुआ 12 है इक्वल टू में 12 है। तो यहाँ पर क्या निकल गया आपका LHS इक्वल टू में क्या गया आपका RS, क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या, क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या, यस या नो, यस सर, यस सर। तो ये देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू किसकी है y की, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको लिखने का पैटर्न 2 और 3 ये लो 2 और 3, ये वैल्यू किसकी है x की और ये वैल्यू किसकी है y की। तो x की और y की एक ऐसी यूनिक वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि LHS इक्वल टू में क्या होगा आपका RHS होगा, एक यूनिक वैल्यू आप पुट करोगे। तो अब देखो इसी बेस पे अपनी जो एक्सरसाइज है कौन सी 4.2, फटाफट जल्दी से निकालो एक बार 4.2, और 4.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्या है आपको एक इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू में, y इज इक्वल टू में 3x प्लस 5, इसका एक सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर ओनली टू सॉल्यूशन होंगे या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, ये मेरे को क्या करना होगा, चेक करना होगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होंगे या फिर क्या होंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, ये मेरे को चेक करना है। तो देखो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले दोनों पार्ट आपस में इक्वल आने चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक नहीं इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे होंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन, एक बार चेक करना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, इस जो वाई है इस वाई की वैल्यू, जैसे मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पे, x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने यहाँ पे 2 और मैंने y की वैल्यू 11 पुट करा, x की वैल्यू कितनी पुट की मैंने 2 पुट करी है और y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है 11, तो चेक करो एक बार, y की वैल्यू 11 इज इक्वल टू में 3 इंटू 2, x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे जाएगा प्लस में 5, तो यहाँ पे जाएगा 11 इज इक्वल टू में 6 प्लस 5, तो यहाँ पे 11 इज इक्वल टू 11, तो आपका क्या हुआ यहाँ से LHS इक्वल टू में RHS, वाग्निवा आपका LHS इंटू RHS है। आप सुनो, जैसे आपने यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट की है, जैसे y की वैल्यू आपने क्या पुट की यहाँ पे 11 और x की वैल्यू क्या पुट करी आपने 2, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन कौन सा हुआ 2 और 11, एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया, ठीक है एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया। जब मैं सेकंड सॉल्यूशन की बात करूं यहाँ पे, तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी 3, x की वैल्यू मैंने क्या पुट किया यहाँ पे 3 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट किया यहाँ पे 13, x की वैल्यू मैंने 3 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट किया यहाँ पे 13, एक बार चेक करो, तो यहाँ पे y की वैल्यू 13, तो 13 इज इक्वल टू में 3 इंटू 3,
एक्स क्यूब 3 है और प्लस में 5 है, तो 13 इज इक्वल टू में 13 इज इक्वल टू कितना वाई है, कितना वाई है, 9. यहाँ पे 9 प्लस 5 है, तो यहाँ पे 13 इज इक्वल टू कितना हुआ, 14. 14 दोनों आपस में इक्वल है क्या? क्या नो सर, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है नहीं है, ही है. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू अगर 14 रखता, अगर मैं y की वैल्यू 14 पुट करता तो यहाँ भी क्या होगा आपका 14, यहाँ भी क्या होगा 14, यहाँ भी क्या होगा 14. बताओ सॉल्यूशन आया कि नहीं आया यहाँ पे, आ जाए यानी LHS इक्वल टू में RHS. तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन कौन सा हुआ, 2 और ये 3 और 14. तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, एक सॉल्यूशन और गया, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन है या टू सॉल्यूशन है या फिर इनफिनिटी सॉल्यूशन है, बताओ एक बार. टू सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन, टू नहीं इनफिनिटी सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखो, क्या आपने यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन तो ये हो गया, जिसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा उससे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसके टू सॉल्यूशन होंगे उसे टू सॉल्यूशन कहेंगे, जिसकी टू वैल्यू जाएगी. अब जिसकी टू से मोर आएगी, टू से मोर देन, तो क्या होगा आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशन. अब टू से मोर कैसे, जैसे आपने एक तो ये निकाल लिया सॉल्यूशन, एक ये निकाल लिया, फिर नेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 पुट की है और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट की यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू मैंने 17, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 इज इक्वल टू में 3 × 4 प्लस का 5, तो ये 17 इज इक्वल टू में 3 × 4 कितना हुआ 12 प्लस का 5, तो 17 इक्वल 17. तो आपका एक सॉल्यूशन ये आ गया, कौन सा एक सॉल्यूशन कौन सा आ गया, 4 और 17. तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, कितने, हाउ मेनी इनफिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना. अब जैसे क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. अब 4 सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, देखो एक बार चेक करो, 4 सॉल्यूशन कैसे नोट करने हैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस y इज इक्वल टू में 7, ये क्वेश्चन है आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू में 7, इसके कितने सॉल्यूशन लिखने हैं मेरे को, कितने सॉल्यूशन लिखने हैं इसके, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. और 4 सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करा, x की वैल्यू 1 और यहाँ पे y की वैल्यू 5, x की वैल्यू क्या पुट की मैंने 1 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट की यहाँ पे 5. तो देखो यहाँ से 2 × 1 + 5 इज इक्वल टू में 7. अब चेक करो एक बार, 2 × 1 कितना हुआ 2 और ये हो गया प्लस का 5 इज इक्वल टू में 7. 2 + 5 कितना 7, तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू में 7, तो यहाँ पे आपका LHS इक्वल टू में क्या हुआ, LHS टू राइट HS, RHS. तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी पुट की थी आपने 5. तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया. दूसरा सॉल्यूशन निकालना है मेरे को, तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है और y की वैल्यू मैंने 7 पुट की है. देखो एक बार, x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है 0 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, क्या पुट की है 7. तो देखो यहां से 2 × 0 और प्लस में 7 इज इक्वल टू में 7. अब बताओ यहां से 2 × 0 क्या होगा, 2 × 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 7 क्या होगा 7, तो 7 इज इक्वल टू 7. तो यहां भी क्या होगा आपका LHS इनटू में क्या हो जाएगा RHS, राइट HS. यहां पे x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 7. ये 7 आपने टू सॉल्यूशन निकाल लिए. अगर मैं थर्ड सॉल्यूशन निकालूंगा तो x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है, x की वैल्यू 3 पुट की है और y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है 1. तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो यहां से आएगा y की वैल्यू 2 × 3 + 1 = 7 + 1
सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू में सेवन इज इक्वल टू सेवन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका एल एच एस इज इक्वल टू में क्या हो गया आपका आर एच एस, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका थ्री और वन, एक सोल्यूशन ये हो गया। कितने सोल्यूशन हो गए, वन टू थ्री, आपको फाइंड कितने करने हैं, फोर करने हैं। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा होगा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू माइनस फोर, एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू माइनस वन। देखो मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, एक्स की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन, चेक करो एक बार, टू इंटू फोर प्लस और ब्रैकेट में माइनस वन इज इक्वल टू में सेवन। देखो मैंने वाई की वैल्यू क्या पुट की है यहाँ पे माइनस वन, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि एक्स की और वाई की वैल्यू आप चाहे माइनस में करो चाहे प्लस में करो, आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से ये हो गया मेरे अकॉर्डिंग, मैंने अकॉर्डिंग पुट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग पुट करोगे। अब देखो यहाँ से ये हो गया फोर, ब्रेकेट के बाहर प्लस है और ये माइनस है एट, तो यहाँ पे प्लस प्लस इंटू माइनस क्या सभी सर, अब मेरी बात सुनो एक बार, अगर मैं आपके पास क्या आ रहा है, कौन कर रही है, देखो अब आपके पास में ये इक्वेशन नोट है, क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर ऑप्शन है कौन कौन, वन और फाइव, जीरो और सेवन, टू और फाइव और थ्री और वन, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस थ्री और माइनस टू। आपको ये चेक करना है इनमें से ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन कौन है इनमें से वन टू थ्री फोर फाइव सॉल्यूशन है ना, इनमें से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन कौन सा है बताओ, क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. देखो आप, ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, ये किसकी है, वाई की। एक्स की जगह वाई की जगह अगर पुट करोगे ना, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, वाई की जगह दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है कि नहीं है सर, जीरो और सेवन, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या? यस यस सर। अच्छा ये टू और फाइव है, अरे कौन कर रहा है इसे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने केवल आपसे बस यस या नो, बस ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, बस इतना सा रिप्लाई देना है, बाकी म्यूट करना सबको, जब आपको रिप्लाई देना हो तो अनम्यूट कर लो, बस बात इतनी सी है। अब देखो क्या टू और फाइव है, कौन है टू और फाइव, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या? नो सर। नो क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू पुट करूंगा तो टू इंटू टू प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या? नो सर। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट थ्री और वन क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या? यस सर। आपको अगर एक क्वेश्चन गिवन है और आपसे ये चेक करने के लिए कहा जाए कि इनमें से कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं है, कर लोगे सब? यस सर। अब देखो कौन सा, फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर फोर भी। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि आपको x की और y की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, x की और y की वैल्यू गिवन है और उसमें एक अननोन वैल्यू है,
उसमें एक अननोन वैल्यू के है, उस के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 2x + 3y = k, ये आपका स्टेटमेंट है, इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में ये एक अननोन वैल्यू है, कौन k, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब करोगे? आपको x की और y की वैल्यू गिवन होगी, आपको x की और y की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी आपके मन से या बुक में दी हो देख लो एक बार, x की वैल्यू क्या गिवन है 2 और y की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, आपको x की क्या की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से 2 × 2 x की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है 1 = 2 हुआ 4 3 × 1 कितना हुआ प्लस 3 3 कितना हुआ 7 तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई भी अननोन वैल्यू है। ठीक है, एनी डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अपना एक्सरसाइज 4.1 4.2। थैंक यू सर। अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। बेटा आवाज दिव्यांशु, क्या प्रॉब्लम है ये? अब अपन बात किसकी करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना? अब सुनो, आपका जो टेस्ट होगा आज, उस टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा पता है क्या आपको सबको? यस सर। सर हैं? यस सर।